छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के। तुझे तो हम मुर्गा बनाएंगे जानी। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। हमारी बारी। ये तुम एक्शन फिल्म की एक्टिंग कर रहे हो या किसी कॉमेडी फिल्म की? ऐसा क्या है इस एक्शन राज में जो तुम सब उसके हर चाल की नकल कर रहे हो? चुटकी, इस एक्शन राज में कुछ खास नहीं है। ऐसे ऐसे एक्शन राज को तो मैं 10 बार हरा सकता हूँ। अपने सपनों में कर लिया। सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्र वर्मा सभी गांव वालों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। महाराज के पसंदीदा और सभी गांव वालों के पसंदीदा हीरो एक्शन राज ने ढोलकपुर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। कल शाम को एक्शन राज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। सुनो सुनो सुनो, एक्शन राज यहाँ हमारे गांव में आने वाला है। मंच लगाओ, मिठाई बनाओ, अपना एक्शन राज आ रहा है। हाँ हाँ, तैयारी करो तैयारी करो। गोलखपुर के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसा लगा एक्शन राज का एक्शन? तो मेरी आने वाली फिल्म का नाम मंगल सिंह, तुम फिर पिटने चले आए। तुम्हारा खेल खत्म मंगल सिंह। इतनी भी जल्दी क्या है भीम? एक्शन राज, इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। क्या तुम बच्चे मुझे बचाओगे? अरे कोई मुझे बचाओ। करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, आज भीम की बहादुरी और अक्लमंदी ने मुझे बचा लिया और ये सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे या चमकीले कपड़े पहने। असली हीरो वो होता है जो अपनी फिक्र करे बिना अपने दोस्तों की रक्षा करे। कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। और ऐसे बनता है
रूप बदलो शरबत। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके तुमने मुझे परेशान किया, बहुत बढ़िया। एक बुरी परी की यही असली निशानी होती है। चलो अपने पहले बुरे काम के लिए तैयार हो जाओ। ये भीम और उसके दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारा काम है इनका दोस्त बनना और अपनी शरारतों से इन्हें आपस में लड़वाना। जब ये अलग हो जाएंगे तब मैं शेरासुर को बुलाऊंगी। भीम और उसके दोस्त आपस में लड़ते रहेंगे और शेरासुर उनको हरा देगा। बहुत बढ़िया, इतना दो दीजिए। ठीक है जी जी जी, शुक्रिया। अरे भैया ये वाले नहीं, वो वाले दिखाओ। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है? मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी, फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। दोस्तों नहीं,
कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है, बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना, पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। हाँ, मैंने तो केले का पेड़ लगाया, केले का ये मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुड्ढा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम, मैं नहीं डरने वाली ना, और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। घुराहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो, कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है, आपने पानी तो डाला था ना। वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत, मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये
एक ऐसी जगह आ गया हूँ मैं। तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ, ये लो दोस्त पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है
बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए। सब उठ गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जम कर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। मुझे कसरत तो पूरी करने देते। रत्नमणि जी, लो जितने चाहे फूल बटोर लो। कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटोर लो, कसरत भी हो जाएगी। कितना बोर लग रहा है। सही कहा चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया, बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना, यही है खेल का नियम। घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। ऐसा लगा ये खेल। अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना। और जल्दी आ जाना। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे? किया था एक हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया,
मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से! अरे अरे नानी, हम तो टुंडट मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी के दोस्त हैं। के लड्डुओं की खुशबू! अरे मौसी के लड्डुओं की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ठंडी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आइए आइए। ये देखिए, हमें एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। धोखा तो आपने दिया है नानी मौसी और चुटकी को। हाँ?
चुमरी, जोगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुफा की पहरेदारी कर रहे हैं काकू केकड़ा से। ये काकू केकड़ा कौन है? केकड़ों का राक्षसी राजा है जो हमारे पीछे पड़ा है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। पर आगे जाएंगे कैसे? पर हम तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकते जुमरी। इन सब की मदद करो बच्चों। ये लो जग्गू, इसे कान में डालो और अब बोलो मैं उड़ सकता हूँ। पीछा कर रहा है। कोई नहीं है भीम। अपने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी। ये तुमने क्या किया? अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। शक्ति सिर्फ मेरे लिए है। सुबह से गायब है। शायद बाबा उन्हें ढूंढने में मदद करते। कौन बाबा? ये परम ज्ञानी महाराज हैं। चलो मैं भी इन ज्ञानी बाबा से अपनी समस्या पूछता हूँ। प्रणाम बाबा। अरे भीम, ये कहाँ से आ गया? अब कहो भीम। आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे ऐसे सवाल पूछकर हमारे बाबा का अपमान मत करो। ये तो परम ज्ञानी है, इन्हें सब पता है। अच्छा, तो बाबा को ये भी पता होगा कि मैं क्या समस्या लेकर आया हूँ। बाबा को गर्मी लग रही है, पंखा लाओ। अच्छा, तो ये कालिया है। बाबा बताइए मुझे क्या समस्या है? बाबा नहीं है। ये तो झूठा है। ऐसा क्या हुआ चाचा? गरीबी से बाहर निकलने के लिए इस आदमी ने मुझे ये चॉकलेट खरीदने को कहा और मैं इनाम जीत गया। मैंने और चॉकलेट खरीदे और चॉकलेट खरीद खरीद के 2 मिनट के अंदर मैं दोबारा कंगाल हो गया। मैंने इनसे कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इन्होंने कहा कसरत करो। मैं रात को कसरत कर रहा था तो गांव वालों ने मुझे जोर समझ के इतना पीटा, इतना पीटा कि मारो इसे। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब माफी मांग लो। अरे, पर मैं क्यों माफी मांगूं? अब मैं
मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था, तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। लेकिन इसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास का। आपको बिना जाने पहचाने किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। साथियों, बांध दो इन्हें। ये सब कालिया की गलती है। मैंने क्या किया? मुझ में कोई जादुई शक्ति नहीं है। लेकिन एक शक्ति है। कौन सी शक्ति भी? कालिया, तुम बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम बड़े ही अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। कैसा तोहफा बाबा? दुनिया का सबसे महंगा खजाना, ढोलकपुर का सोना। चलो मेरे पीछे आओ। अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? बढ़िया चुटकी, इस रस्सी को हम खाई की दूसरी तरफ अटकाकर इस पर झूलते हुए वहां जा सकते हैं। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। सालों से नहीं कह पाया, लेकिन आज 70 साल बाद कह रहा हूँ कि तुम कितना बेस्वाद खाना बनाती हो। थु, 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 थु। अरे तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। तुम गधे की तरह हंसते हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ही तुम्हारा खिलौना तोड़ा था। ऐसे धड़ा मैंने ही तोड़ा, सच में। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र में कुछ तो गड़बड़ है। हम सब इत्र सूंघने के बाद सच बोलने लगे हैं। चुटकी, राजू, तुम प्रोफेसर धूमकेतु को जाकर इन सब के बारे में बताओ। मैं और जग्गू यहाँ गांव वालों को संभालते हैं। क्या मेरा इत्र सबसे सच उगलवा रहा है? तो क्या अब मैं भी सच बोलने लगूंगा? नहीं नहीं, मैं अभी इसका कोई हल निकालता हूँ। आपका सच
सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए प्रोफेसर धूमकेतु, इससे पहले कि गांव वाले लड़ लड़ के पूरे गांव में तोड़फोड़ कर दें। तुमने मेरी फसलें चुराई, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें किसान की ताकत। है रुक जाओ। जग्गू, उस कुटिया के बाहर एक बच्चा है, तुम जल्दी से उसे वहाँ से हटाओ, मैं टंकी को गिरने से रोकता हूँ। हमारे गुस्से की गर्मी को पानी से ठंडा कर दिया। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र ने हमें सच बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को झूठ नहीं बोला होता तो गांव में झगड़े होते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई सच बोले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जग्गू, हमने तुमसे झूठ बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने भी तुम सबको जो झूठ बोला ना, मैं भी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब की बार जब मैं चुटकी की पोटली में से ऐसे लड्डू चुराऊंगा ना, मतलब लड्डू लूंगा ना, तो उसे सच बोल दूंगा। रुको, मैं लाता हूँ। खट बच्चों, मेरी तपस्या भंग कर दी। माफ कीजिए बाबा। बाबा, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। बाबा, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये तो अच्छे फंसे हैं जाल में। मेरी एक पालतू जलपरी इस तालाब में आई है। मेरी तपस्या पूरी होने तक उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ, तब ही तुम घर जा सकते हो, नहीं तो सारी जिंदगी जुगनू बाबा की सेवा करनी होगी। जी बाबा जी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ओ, हो जाओ तैयार। डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, बचाने आए हैं। जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं? जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में। क्या मतलब, आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना। मैं समुंदर में जलपरी कुल में रहती थी, मैं और मेरी बहन रोज मछलियों के साथ खेला करते थे। जुगनू बाबा का हमला हुआ, वो हम दोनों को अगवा करने आए। अगर उसे मेरी बहन की शिरोमणि पर ही संतुष्ट होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरी बहन बहुत उदास रहती थी, लेकिन लालची जुगनू बाबा फिर से हमारी नगरी पर हमला करने आया। इसीलिए मैं उसे चकमा देकर नदी के रास्ते इस तालाब में आकर छिप गई। कहानी
अपनी अभी पूरी करें बाबा जी। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया।